उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य अध्यात्म से कर्म युद्ध की धरती है। राजनीति के क्षेत्र में कहा जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश ने देश को कई बड़े प्रधानमंत्री और अभी के तत्काल प्रधानमंत्री को भी उत्तर प्रदेश आना पड़ा और इसी उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पितामह मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और उपचुनाव को एक महीने भी नहीं बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रहे हैं। हालांकि इस सीट पर मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में सभी की नजर इन्हीं दोनों दलों पर है। इस तरह सपा सैफई में प्रत्याशी को लेकर मंथन कर रही है, वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी का तिलिस्म तोड़ने की तैयारी में जुटी है। बीजेपी इस बार अखिलेश यादव को घेरने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है। वहीं उपचुनाव को लेकर जल्द ही दोनों दल अपने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा मैनपुरी उपचुनाव से मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है। उन्हें नेताजी मुलायम सिंह यादव की परंपरागत मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया जा सकता है। दरअसल यादव बिरादरी के वोट और मुलायम सिंह यादव परिवार के नाम के चलते भाजपा अपर्णा यादव को उतारने का मन बना रही है। इटावा के पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाह के, विधायक ममतेश शाह के, प्रेम सिंह शाह के, राहुल राठौर के अलावा प्रदीप चौहान का भी नाम चर्चा में है। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। ऐसे में भाजपा यहां कील ठोकने को तैयार है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जिले से रिपोर्ट भेजी गई है जिसके आधार पर पार्टी प्रत्याशी की घोषणा करेगी और ये भी माना जा रहा है कि मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा पिछड़ी जाति पर दाव खेल सकती है। समाजवादी पार्टी में जहां पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा चल रही है, वहीं मैनपुरी सीट पर आज तक बीजेपी अपना खाता नहीं खोल सकी है। पहली बार ऐसा होगा जब समाजवादी पार्टी और यादव परिवार बिना मुलायम सिंह के मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ये चुनाव बेहद अहम है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई थी। बीते दिनों चुनाव आयोग ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की, जिसके मुताबिक 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और इसके बाद 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।